हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसे हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर चल रहे हैं, रीजनिंग के पार्ट्स लेकर चल रहे हैं, और हमने डाइस के क्वेश्चन कराए थे, तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में देखिए क्या होता है कि कोई भी हमें फिगर गिवन होती है, उस फिगर में हम जो भी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होती हैं या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं, पैरेललोग्राम्स निकालते हैं, यानी कोई भी हमारी शेप हमें दे देंगे और हम उसे निकालना पड़ेगा पूरे गिवन फिगर में से। ये होती है आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्लेषणात्मक बुद्धि परीक्षण। मीन्स वी विल फाइंड इन दिस फुल वीडियो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम द गिवन फिगर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि पहला जो होगा, यानी कि हम तीन टॉपिक आज कवर करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सारे तीनों पार्ट बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम कैसे डिस्कस करते हैं, तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे ही गिनने बैठूं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी और मुझे ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे हम पहले क्या करते हैं, इनको नंबरिंग दे देते हैं। नंबरिंग है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, बीच में जो भी पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट ये है एम और एक पॉइंट ये है एन और एक पॉइंट है आपका ये पी, पहले ओ दे देते हैं, एम एन ओ, ओ ये हमारा बीच वाला पॉइंट हो गया ओ, पी क्यू और ये हो गया हमारा आर और ये हो गया हमारा एस। वैसे आपको पॉइंट देने की भी जरूरत है, आप सीधे सिंपल भी गिन सकते हैं, जरूरी नहीं आपको पॉइंट्स दो इसको। तो देखिए, एक लाइन तो हमारी, हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लाइन निकालने के लिए पहले हमें पता है लाइन कितने तरीके की होती है। एक तो हॉरिजेंटल लाइन हो सकती है, एक वर्टिकल लाइन हो सकती है, एक स्लैंट लाइन हो सकती है, यानी कि तीन तरीके की लाइन हमारी होगी। यानी कि एक सीधी रेखा जो कि लंबाई में होगी और एक चौड़ाई में रेखा होगी और एक तिरछी रेखा होगी, अगर हम हिंदी की बात करें तो। हमें केवल वही गिननी है, अगर आप नंबर्स नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, केवल इसी तरीके से काउंट करेंगे। तो अगर हम हॉरिजेंटल लाइंस की बात करते हैं तो देखिए हॉरिजेंटल लाइंस कौन कौन सी बनेंगी। आप हॉरिजेंटल लाइन देखिए, हॉरिजेंटल लाइन कहती है ऐसी वाली लाइंस को, वर्टिकल लाइंस कहते हैं इस तरीके की लाइन को, और स्लैंट लाइन कहते हैं जो इस शेप में हो। तो आप देखिए फटाफट गिन सकते हैं, अगर हम पहले हॉरिजेंटल लाइन की बात करते हैं, हॉरिजेंटल, देखिए हॉरिजेंटल लाइन कौन सी बनेगी, वन टू थ्री, ओनली थ्री हॉरिजेंटल लाइन है। आप देखिए अगर आप वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन कितनी होंगी, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, देखिए सीधी सीधी लाइनें दिख रही हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो आपकी वर्टिकल लाइन कितनी हो गई, फाइव। अब देखिए स्लैंट लाइट हाइट ले लेते हैं, एक वन टू थ्री, ये आपकी थ्री हो गई, अगर इधर से देखें फोर फाइव एंड सिक्स, तो आपको दोनों तरफ से देखनी है, देखिए फिर से वन टू और थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, यानी कि स्लैंट जो होगी वो आपकी कितनी हो गई, सिक्स। आपको कुछ नहीं करना, इनको जोड़ देना है, थ्री एंड फाइव कितना हो गया एट, एट एंड सिक्स कितना हो गया फोर्टीन, यानी कि आपका आंसर इसमें फोर्टीन स्ट्रेट लाइन है। तो ये कितने आसान तरीके से निकल गया है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे। देखिए सेकंड जो आएगा वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएगा। देखो इसको भी आसान तरीका है, आप ऐसे नहीं करेंगे पहले काउंट करते जाएंगे, तो हम पहले करेंगे एक सिंपल जो ट्रायंगल होगा उसको कितना है, सिंपल ट्रायंगल कितने बने हैं पहले उसको काउंट करेंगे, सिंपल यानी कि केवल एक ट्रायंगल वाले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, यानी कि सिंपल ट्रायंगल हमारे कितने बने, एट, यानी कि एट हमारे जो है सिंपल ट्रायंगल है। अगर हम नंबर ऑफ टू काउंट करेंगे, यानी कि दो ट्रायंगल से मिलकर जितने भी ट्रायंगल बने हैं उनको काउंट करेंगे, तो आप इसे एक दूसरे पेन से लिख सकते हैं, जिससे दूसरे पेन से थोड़ी सी हेल्प। तो देखिए अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करूं तो ये दो ट्रायंगल से मिलकर एक ट्रायंगल बना है, एक तो आपका ये हो गया, उसी के अपोजिट सामने एक और होगा, दो हो गए, इसी तरीके से एक ये तीन हो गया और एक ये चार हो गए, यानी कि अगर टू कंपोजिट ट्रायंगल हो गए, टू ट्रायंगल फिगर, तो ये क्या बनेंगे, आपके नंबर ऑफ फोर्स बनेंगे, ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ फोर्स। देखिए थ्री ट्रायंगल बन नहीं रहे हैं, देखिए थ्री कहीं भी नहीं बन रहे हैं, तो हमारा टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, एट प्लस फोर ट्वेल्व। ये आसान तरीका है निकालने का, एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। अब थर्ड जो टर्म आती है वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने की आती है,
नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे। देखिए गिवन फिगर हमारी, इस गिवन फिगर में हम जो स्क्वायर्स निकालेंगे, देखिए आपको पता है स्क्वायर्स क्या होते हैं, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है उनको स्क्वायर्स बोलते हैं। तो यहाँ तो देखिए इसको नहीं गिनेंगे, याद रखना ये ट्रायंगल नहीं निकालने के लिए बोला है, ये स्क्वायर्स निकालने के लिए बोला है। तो स्क्वायर्स क्या होगा, अगर वैसे देखें तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, छह, यानी कि जो वन स्क्वायर्स को लेंगे वो सिक्स है टोटल नंबर वन स्क्वायर को। अगर टू की बात करें तो देखना एक ये पूरा बड़ा हो गया एक, और एक ये हो गया दो, और अगर देखिए इसके अंदर बात करें तो एक ये फिगर बन गया यानी कि वन। अगर टोटल बात करें तो कितना हो गया, सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स नाइन बन गए। एक बार और बता देते हैं, काउंट करिए अलग अलग, एक दो तीन चार पांच छह, टोटल नंबर सिक्स बन गए। अगर हम ये तो हमने दो को कंपोज करके बनाया था, अगर हम इसी तरीके से चार को कंपोज करके बनाएंगे, ये आपका कितना हो गया वन, और एक ये हो गया स्क्वायर टू, फिर ये दो स्क्वायर हो गए। लेकिन देखिए एक बीच में भी अंदर भी बनना है, ये हो गया एक वन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गया नाइन। अब हम क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनको करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारे आए हुए क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ देखिए पहले मैंने बताया था आप केवल पहले हॉरिजेंटल लाइन गिनेंगे, फिर वर्टिकल लाइन गिनेंगे, फिर स्लैंट लाइन गिनेंगे, क्योंकि तीन तरीके के लाइनें होते हैं। तो देखिए इसमें हम पहले हॉरिजेंटल लाइन गिन लेते हैं, कौन सी है। देखिए हॉरिजेंटल कैसी होती है, ऐसी लाइन होती है। तो वन टू थ्री, थ्री हॉरिजेंटल लाइन है, एक ये हो गई फोर। तो आपकी हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, फोर हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारी फोर हॉरिजेंटल लाइन हो गई। अब हम देखते हैं कि देखिए वर्टिकल लाइन एक भी नहीं है, वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ऐसी लाइन वर्टिकल होती है, वर्टिकल एक भी लाइन नहीं है। तो थर्ड हमारी आती है स्लैंट लाइन, तो स्लैंट लाइन में देखिए वन टू थ्री, ये थ्री हो गई, फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, सेवन, तो टोटल कितना हो गया इलेवन। तो आंसर मेरा कौन सा आना चाहिए, बी पार्ट, आंसर कौन सा आएगा इलेवन। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप क्या क्या आएगी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसमें पूछी है, फिर से हम वही बात करेंगे। देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन का गिवन है, स्ट्रेट लाइन में देखिए फिर से पहले हम हॉरिजेंटल देन वर्टिकल देन उसके बाद स्लैंट लाइन गिनेंगे। तो पहले हॉरिजेंटल गिनते हैं, ये हो गई वन टू और थ्री, यानी कि आपकी थ्री हॉरिजेंटल लाइन है। अब वर्टिकल गिनते हैं वन टू एंड थ्री, थ्री आपकी क्या हो गई, वर्टिकल लाइन होगी। अब हम स्लैंट लाइन गिनेंगे, स्लैंट लाइन है कि जो भी तिर्यक रेखा होती है उसको हम बोलते हैं, यानी कि टेढ़ी जो होती है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं वन टू, ये देखो खत्म हो गई थ्री फोर, इसको भी काउंट करेंगे हम फाइव एंड सिक्स, टोटल सिक्स। तो इसको टोटल कर लेते हैं कितना हुआ, छ और छह हमारा बारह, यानी कि सिक्स एंड सिक्स ट्वेल्व हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्वेल्व हो गई। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, बी पार्ट। तो अब देखिए अब फिर से इसमें स्ट्रेट लाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन कितनी काउंट होती है इसको भी कर लेते हैं। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, देखिए स्ट्रेट लाइन में पहले फिर से हॉरिजेंटल वन टू थ्री फोर, देखिए फिर से गिनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये हमारी सिक्स हमारी हॉरिजेंटल लाइन हो गई। फिर हम इसकी वर्टिकल लाइन गिनते हैं, देखिए फिर से हम काउंट करते हैं, सेवन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, यानी कि ये सिक्स नहीं थी ये सेवन है। फिर से हम इसकी वर्टिकल लाइन गिनते हैं, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव एक सिक्स, एक बार और काउंट कर लेते हैं जिससे गलत ना हो, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका, टोटल कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई स्लैंट लाइन नहीं है, तो सिक्स और सिक्स ट्वेल्व एंड वन थर्टीन, यानी कि फर्स्ट आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपको ये बताना है कि इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये आपके लिए है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फोर है। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल की प्रैक्टिस। तो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बनता है। तो देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में देखिए, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में पहले तो मैंने आपको रूल बताया, पहले आप वन वन काउंट करेंगे, देन टू टू काउंट करेंगे, फिर थ्री थ्री काउंट करेंगे। तो देखिए इसमें कितने बनने हैं, पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एट हो गए, एट हो गए। अब इस तरीके से ही हम टू टू यानी दो के जो कॉम्बिनेशन बने हैं उनको काउंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक दो
तीन और ऊपर से चार। एक बार और काउंट करते हैं, पहले ऊपर वाला वन, नीचे वाला टू, थ्री एंड फोर, तो आपके ये फोर काउंट हो गए। अब हम थ्री ट्रायंगल बारे कहेंगे, तो आप कहोगे थ्री ट्रायंगल कहाँ बन रहे हैं, तो देखिए थ्री ट्रायंगल है, आप ध्यान से देखिए, वन टू एंड थ्री वाले, वन टू एंड थ्री वाले, तो आप देखिए थ्री वाले कैसे बनेंगे, एक आपका ये बना वन टू एंड थ्री, एक आपका ये बनेगा वन टू एंड थ्री, और ऊपर से एक और आपका बन जाएगा यहाँ पर वन एंड टू और थ्री वाला। तो आपने कौन कौन सा काउंट करा, एक इस वाले ट्रायंगल में यानी कि वन टू थ्री, एक इस वाले ट्रायंगल में वन टू थ्री, एक इस वाले ट्रायंगल में वन टू थ्री, और एक आपका जब ये घूमेगा वन टू थ्री, यानी कि देखिए चार है ना, तो चारों सेक्शन में थ्री थ्री वाले बनेंगे ट्रायंगल, वन टू थ्री एंड फोर, यानी कि थ्री थ्री ट्रायंगल में फिर से फोर बने, तो ये कितना हो गया आठ चार बारह, बारह चार सोलह, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रायंगल वाले समझ में आ गए। अब ऐसे क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों एक साथ पूछ लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए हम बहुत आसान की ट्रिक से करेंगे। तो देखिए हमें इसमें स्क्वायर और ट्रायंगल गिनने हैं, तो सिंपल वैसे ही ट्रायंगल हम गिनते हैं कितना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व इसके ट्रायंगल हो गए वन वाले। फिर उसके बाद देखिए टू टू का देखते हैं, ये देखिए ये कितना आसान होता है, कोई भी अगर स्क्वायर में ट्रायंगल बने उनको गिनना बहुत आसान होता है, बस इसे गिनिए वन टू, यानी कि एक स्क्वायर में अगर दो डायगोनल बने हैं तो उसमें हमेशा टू टाइम्स वाले चार बनेंगे, चार आठ बारह, ये आपके हो गए चौबीस। और जब हम थ्री के गिनेंगे, थ्री के इसमें यानी फोर के गिनेंगे, तो देखिये वन टू थ्री फोर, वन टू, ये आपके कितने हो गए टू, और टू और होंगे यानी कि ये आपके 24, फोर और बनेंगे, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। एक बार और बता देती हूँ, देखिए सिंपल तो आपके आप काउंटिंग कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व हो गए। बट जब आप टू के गिनते हो और वो किसी स्क्वायर में बने होते हैं, तो हमेशा एक स्क्वायर के अंदर अगर दो डायगोनल हैं, ऑब्वियसली स्क्वायर के अंदर दो डायगोनल होंगे, तो उसमें हमेशा चार टू टू के पेयर चार बनेंगे। तो देख बता देती हूँ कैसे बनते हैं, वन टू का एक पेयर, दो पेयर, फिर इधर से लो तीन पेयर, फिर इधर से लो चार पेयर, तो ये टोटल मिला के चार पेयर बनेंगे। तो ये चार चार आठ, चार तेरह बारह, यानी कि बारह पेयर बन गए। जब हम तीन का देखेंगे, देखना तीन का तो बनेगा नहीं, चार का बनेगा, एक दो तीन चार, तो आप देख सकते हैं एक ये वन टू, इसका अपोजिट भी थ्री एंड फोर, तो टोटल मिला के कितने बन गए, ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी फोर और फोर ट्वेंटी एट, यानी कि आंसर या तो ए होगा या आपको सी होगा। तो अब देखिए स्क्वायर्स गिन लेते हैं कितने, स्क्वायर्स गिनना भी बहुत आसान होता है, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, और अगर हम इसके गिने, ये देखिए अगर अंदर पूरा स्क्वायर बनना है फोर एंड फाइव, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो गया फाइव स्क्वायर के साथ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल हम सीखेंगे रेक्टेंगल्स निकालना और पैरेलोग्राम्स निकालना, या कोई भी पेंटागॉन्स वगैरह ये निकालना, हेक्सागॉन निकालना कैसे निकालते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं। आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन ये है, आप इसमें बताएंगे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल और स्क्वायर्स बने, ये आपके लिए मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, इसके आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।